क्या आपने कभी पानी के रहस्यों और उसमें निहित अपार शक्ति पर विचार करने के लिए कभी कुछ समय निकाला है? पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के साधन से कहीं अधिक है। ये हमारी गहरी इच्छाओं का एक दर्पण मिरर भी है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराई तक, हमारे परिदृश्यों से होकर गुजरने वाली विशाल नदियों से लेकर आपकी मेज पर रखे पानी के साधारण गिलास तक, पानी हमारे जीवन में एक निरंतर उपस्थिति है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के महत्व पर विचार किया है जिसे आप महज तरल कहकर खारिज कर सकते हैं? हमारी प्यास बुझाने में आपकी भूमिका से परे, पानी में हमारी इच्छाओं और उनकी मैनिफेस्टेशंस के बीच एक सेतु बनने की क्षमता है। पानी पर्वत शिखर से लेकर हरी भरी घाटियों तक विश्व के विकास और परिवर्तन को चुपचाप देख रहा है। रेत के सबसे छोटे कण से लेकर पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी तक, पानी हर चीज के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पानी की प्रत्येक बूंद एक कहानी, आपकी यात्रा कहती है। तो आइए इस दोहरे दर्पण को और अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका असर आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर पड़ता है। कल्पना करें कि आप दो मिरर के बीच खड़े हैं। प्रत्येक मिरर आपकी वास्तविकता के एक अलग पहलू को दर्शाता है। एक शीशा हमारे आसपास की मूर्त दुनिया को दर्शाता है। हम जो निर्णय लेते हैं, जिन परिस्थितियों में हम खुद को पाते हैं, जो रिश्ते हम बनाते हैं और अनगिनत क्षण जो हमारे दिनों को भरते हैं, ये वो दुनिया है जिस तक हम पहुंच सकते हैं और छू सकते हैं, जिसके साथ हम दैनिक आधार पर बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ एक अलग शीशा है जो हमारी कॉन्शियसनेस में गहराई से उतरता है, हमारे सपनों, महत्वाकांक्षाओं, चिंताओं और इच्छाओं को मैनिफेस्ट करता है। ये क्षेत्र कम परिचित लग सकता है क्योंकि ये अमूर्त मीन्स इनटेंजिबल है, लेकिन हमारे जीवन पर इसका प्रभाव अथाह है। यहीं से क्रिएशन मीन्स सृजन की शुरुआत होती है। यह हमारे सपनों और इच्छाओं का जन्म स्थान है और यही पानी अपनी हाई कंडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ इन दो दुनियाओं के बीच पुल बन जाता है। ये टेक्निक, जिसे मैं वाटर टेक्निक कहना पसंद करता हूं, इस विचार पर जोर देती है कि आपकी बाहरी वास्तविकता आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि आपका इनर सेल्फ अनिश्चितता और संदेह से घिरा हुआ है, तो आपके आसपास की दुनिया बाधाओं से भरी प्रतीत होगी। हालांकि अपने इनर सेल्फ को स्पष्टता, दिशा और सकारात्मक ऊर्जा से भरकर बाहरी दुनिया को नए अवसरों के लिए खोला जा सकता है। आइए अब इस परिवर्तनकारी यात्रा पर पहला कदम रखें। मैं चाहता हूं कि आप अगले 6 महीनों के लिए अपने एम्बिशंस के बारे में सोचें। जी हां, 6 महीनों के एम्बिशंस। ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक चैलेंजिंग वर्क प्रोजेक्ट या शायद किसी रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए कुछ क्षण लें। कल्पना कीजिए कि आप इसे जी रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि ये अभी हो रहा है। एक बार जब आपके दिमाग में ये स्पष्ट तस्वीर आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लिखित रूप में लिखें। आप कागज या अपने फोन का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने एम्बिशन को इस तरह लिखें कि वो वास्तविक लगे, जैसे कि वो पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा हो। ये एक्टिव राइटिंग इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है और इसे और अधिक अचीवेबल फील कराता है। अब चलिए एक ऐसे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा अनकॉमन है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखें और गहरी सांस लें। जैसे ही आप अपने प्रतिबिंब को देखें, अपने एम्बिशन को 3 बार जोर से कहें। हर बार जब आप ये कहते हैं, तो ऐसा महसूस करें मानो आप स्वयं से कोई वादा कर रहे हो। ये अभ्यास आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करता है और आपको इंटेंशन से जोड़ता है। अब ये आपके पानी को आपके सपनों की ऊर्जा से चार्ज करने का समय है। एक गिलास पानी लें। जैसे ही आप इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं, अपनी आंखें बंद कर लें और विजुलाइज करें कि आपके लक्ष्य की ऊर्जा आपके पानी में प्रवाहित हो रही है। विजुलाइज करें कि ये पानी आपकी आशाओं और सपनों से युक्त हो रहा है। अपनी इच्छा और पानी के बीच संबंध को महसूस करें। अब उस चार्ज किए गए पानी का एक घूंट लें। ऐसा करते समय बस ये ध्यान रखें कि आप जिस स्तर पर चल रहे हैं,
और जो अविश्वसनीय चीजें आप हासिल करेंगे उसके लिए आभारी और उत्साहित महसूस करें। ये पानी के एक घूंट से कहीं अधिक है। ये आपके सपने के साथ फिर से जुड़ने का क्षण है। इसे स्वीकार करें। आप केवल एक मैजिकल रिचुअल का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपनों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। प्रत्येक घूंट उन बड़ी चीजों के प्रति एक छोटा सा रिमाइंडर और प्रोत्साहन बन जाता है जिनका आप लक्ष्य बना रहे हैं। ये सब विकास और परिवर्तन के बारे में है। एक समय में एक घूंट। इस टेक्निक को प्रभावी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। किसी पौधे के पालन पोषण की तरह आपको उसे बढ़ने में मदद करने के लिए उसे प्रतिदिन पानी देना होता है। बस उसी तरह हर दिन वही दिनचर्या अपनाएं। अपने पानी को अपने लक्ष्य की ऊर्जा से चार्ज करें। एक घूंट लें और अपने सपनों पर विजुलाइजेशन करें। ये सरल लग सकता है, लेकिन याद रखें कि प्रत्येक घूंट आपके लक्ष्य से आपका संबंध मजबूत करता है। इसे इस तरह से सोचें, जब आप एक शांत झील में एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तो आप उन लहरों को बाहर की ओर फैलते हुए देखते हैं, है ना? इसे रिप्लाइंग इफेक्ट कहा जाता है। यही सिद्धांत आपके एक्शंस पर भी लागू होता है, यहां तक कि आपके द्वारा किए जाने वाला सबसे छोटा काम भी तरंगे पैदा करता है जो जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है। हमारी आशाओं और कार्यों में अपार शक्ति है। हम जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं या आशा करते हैं वो अपनी तरंगे भेजती हैं, जिससे पता चलता है कि छोटी छोटी हरकतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये तरंगे कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे लोगों ने पूरे इतिहास में देखा है। हमारे एक्शंस और इंटेंशंस चीजों को बदल सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि घटनाओं के घटित होने के तरीकों को भी आकार दे सकते हैं। अपनी आशाओं और कार्यों की शक्ति को स्वीकार करें। आप न केवल अपने जीवन में बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं। याद रखें, ब्रह्मांड सिर्फ आपके एक्शंस ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ये हमारे भीतर है। हर पल हमारे सपनों को प्रतिबिंबित करता है। पानी के परिवर्तनकारी गुणों का उपयोग करके हम अपने विचारों को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं, अपने सबसे बड़े सपनों को जीवन में ला सकते हैं। अब आप किसी विशेष चीज की शुरुआत में हैं। इस असाधारण यात्रा में पानी आपके मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। ये आपकी क्षमता का पता लगाने और अपने वास्तविक मूल्य को पहचानने का अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना भविष्य बनाने का एक अनूठा मार्ग और क्षमता होती है। ये केवल आपकी शारीरिक प्यास को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, ये सकारात्मक बदलाव और विकास के लिए आपकी चाहत को बुझाने के बारे में है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर एक साथ आते हैं, हमारी सामूहिक भावना उस रास्ते को रोशन कर देती है। दूसरों को आत्म जागरूकता और उद्देश्य के इस मार्ग से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसे स्वीकार करके आप दुनिया के साथ एक मजबूत बंधन बना रहे हैं। ये सिर्फ एक दिनचर्या का पालन करने के बारे में नहीं है, ये किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है। तो जिन चीजों को मैंने आपके साथ शेयर किया है उसे अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है। और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।